गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। तो आज हम फिर डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके ब्रिटिश लिटरेचर से, दैट्स क्वेश्चन नंबर टू। तो ये है, व्हाट आर डिफरेंट क्रिटिकल अप्रोचेज टू लेडी मैकबेथ्स कैरेक्टर। तो देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, लेडी मैकबेथ इज रिमार्केबल फॉर एम्बिशन, स्ट्रेंथ ऑफ विल एंड क्रुएल्टी। ये जानी जाती है अपने एम्बिशंस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, विलनेस और क्रुएल्टी के लिए। इन द बिगिनिंग सी हैज फार ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ विल देन हर हस्बैंड। तो जितना उसका हस्बैंड का विल पावर उससे कहीं ज़्यादा ये लेडी मैकबेथ का विल पावर एंड स्ट्रेंथ है। व्हेन मैकबेथ हेजिटेट्स एंड इज डिस्ट्रस्टफुल ऑफ हिज पावर्स, ही नेवर वेवर्स। तो जब मैकबेथ को अपने पावर्स पे हेजिटेशन होता है तो इसको एक सेकंड के लिए भी कभी डाउट नहीं होता, वो कभी फोर्स नहीं करती, वो कभी भी मतलब वीक नहीं होती है या डिसकन्फिडेंट नहीं होती है, लेस कॉन्फिडेंट नहीं होती। ठीक है, तो सी नीड्स नो सुपर नेचुरल टेम्पटेशन टू अर्ग हर ऑन। उसके लिए उसको कोई भी अलग से कोई सुपर नेचुरल टेम्पटेशन नहीं चाहिए होता है, वो खुद में ही बहुत कॉन्फिडेंट रहती है। वाइल रीडिंग हर हस्बैंड्स लेटर्स सी डिटरमाइंस ऑन द कोर्स टू बी परस्यूड एंड नथिंग टर्न्स हर फ्रॉम दैट कोर्स। जब वो अपने हस्बैंड का लेटर पढ़ती है तो वो बहुत ज़्यादा परस्यूड रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस रहती है, उसका उस पर विल पावर या उस पर भरोसा किसी भी कारण से कम नहीं होता। अंडर द गोल ऑफ एम्बिशन इज रीच्ड, और उस पर वो उस पर उसका जब लेटर पढ़ती है वो फोकस रहती है एंड बिलीव करती है कि हाँ वो सकेगा, एंड वो खुद भी उसके एम्बिशन को पूरा करने में यकीन करती है। ठीक है, हर फर्स्ट वर्ड्स आफ्टर रीडिंग द लेटर शो क्लियरली द स्ट्रेंथ ऑफ अ डिटर्मिनेशन। तो इसके जो वर्ड्स है वो दिखाते हैं कि कितना उसका डिटरमाइंड रहती है। ठीक है, दैट इज़ ग्लेमी दो अर्थ, ग्लैमस दो अर्थ एंड कॉडर एंड सेल्ट बी, व्हाट दो अर्थ प्रॉमिस्ड, सी नोज हर ओन स्ट्रेंथ। मतलब ये एक फ्रेज है, उसको अपना खुद का स्ट्रेंथ के बारे में पता होता है, एंड ऑफ द इन्फ्लुएंस विच सी पॉजिस्ड ओवर द वीक विल ऑफ अर हस्बैंड। और उसको अपने पावर एंड सुप्रीम पावर के बारे में पता होता है, और उसके बाद में उसके हस्बैंड का वीकनेस के बारे में भी पता होता है, लेकिन वो कभी उसका एडवांटेज नहीं लेती है। हर ग्रीटिंग ऑफ मैकबेथ एंड द वर्ड्स ही यूजेस इमीडिएटली आफ्टर। वो अपना वर्ड्स को केयरफुली यूज़ करती है, हमेशा अपने हस्बैंड के सपोर्ट सिस्टम रहती है। सो द वर्ड्स ही यूजेस इमीडिएटली आफ्टर सो दैट हर प्लान हैड ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड। ग्रेट क्लैम इज वॉर्दी कॉवर्ड, ग्रेटर देन बोथ बाय ऑल हेयर हेयर आफ्टर। तो वो बोलती है, आई लेडी मैकबेथ डिसाइड टू टेक एक्टिव रोल टू रियलाइज हीज एम्बिशन। मैं खुद एक्टिव रोल लूँगी उसको उसका एम्बिशन रियलाइज कराने के लिए, बाय मेकिंग इट आर ओन। खुद उसका एम्बिशन को खुद जी के मैं अपने एम्बिशन बना के उसको उसके एम्बिशन पे भरोसा दिलाऊंगी। मतलब हम जब किसी को सपोर्ट करते तो हम लोग के कॉन्फिडेंस से हम उन लोग के कॉन्फिडेंस को एनकरेज कर देते ना। ठीक वही उसमें बोला गया। ठीक है, हर एक्टिव सपोर्ट हैज़ लेड टू वेरिड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कैरेक्टर्स बाय क्रिटिक्स। तो उसकी जो रोल है, काफ़ी क्रिटिक्स ने इसको अप्रेस किया है और उसको बताया कि वो इस टाइप की थी। ठीक है, सी हैज़ बीन कंसिडर्ड एन एली ऑफ द विचेस। उस टाइम की बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी कंसिडर की जाती थी। हाउ वॉज लाइक पोर माई स्पिरिट्स इन थाइन ईयर और द वैल्यू ऑफ माई टंग कनेक्ट हर टू सुपर नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द विचेस। तो उस टाइम का हर एक्टिव सपोर्ट हैज़ लेड टू वेरिड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कैरेक्टर्स बाय क्रिटिक्स। तो उसकी जो रोल है, काफ़ी क्रिटिक्स ने इसको अप्रेस किया है और उसको बताया कि वो इस टाइप की थी। ठीक है, सी हैज़ बीन कंसिडर्ड एन एली ऑफ द विचेस। उस टाइम की बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी कंसिडर की जाती थी। हाउ वॉज लाइक पोर माई स्पिरिट्स इन थाइन ईयर और द वैल्यू ऑफ माई टंग कनेक्ट हर टू सुपर नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द विचेस। तो उस टाइम का इनके जो स्ट्रॉन्ग वर्सेस को उस टाइम के वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग लेडीज़ का हिसाब से माना जाता था या जाना जाता था। क्रिटिक ऑल्सो कंसिडर हर एज अनदर एस्पेक्ट ऑफ मैकबेथ्स पर्सनैलिटी। तो मैकबेथ के लिए लेडी मैकबेथ को मतलब उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता था और उनके पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा भी समझा जाता था उनको। ठीक है, लेडी मैकबेथ वॉन्ट्स टू रिनाउंस हर फेमिनाइन क्वालिटीज़ टू अचीव हर एम्बिशन। तो वो अपनी फेमिनाइन क्वालिटीज़ की वजह से बहुत जानी जाती थी, जो उनके एम्बिशन को अचीव करने में हेल्प करे फ्यूचर में। हर विश टू बी अनसेक्सड इज कंसिडर एज एन इंटेंस ऑफ हर प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द विचेस। समझ में आ गया आपको। सी विशेस दैट द मिल्क इन हर ब्रेस्ट बी टर्न टू पॉइजन। तो एज ए विच वो कंसिडर करती थी कि उनका जो मतलब जो होता है वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है,
She also calls upon the merged ring ministers to act on her ऑन हर एंड गिव द स्ट्रेंथ टू मेक थ्रू द विचेस प्रॉस्पेरी. तो वो वर्शिप करती है विच के गॉड को कि उनको वो पावर दे कि वो सबसे स्ट्रांग विच के हिसाब से कंसिडर करे, स्ट्रांग वुमेन के हिसाब से रोल प्ले करे. ठीक है. सी सोज द पावर ऑफ हर विल ओवर हर हस्बैंड. वो अपना विल पावर अपने हस्बैंड के आगे दिखाती कि मतलब मुझ में इतनी विल पावर है, विलिंगनेस है. स्पेशली वेन दे मीट द सेकेंड टाइम आफ्टर हिज रिटर्न. जब उसका हस्बैंड उससे वापस सेकेंड टाइम मिलता है, वो दिखाती कि वो और कितनी स्ट्रांग है, उसका विल पावर कितना स्ट्रांग है. ही हेजिटेट्स अबाउट कमिटिंग द सजेस्टेड क्राइम बट एट लास्ट इज कम्प्लीटली ओवरकम बाय हर लॉफ्टी डिटर्मिनेशन. पहले उसको यकीन नहीं होता कि लेडी मैकबेथ इतनी बदल गई है, उसका विल पावर इतना बढ़ गया, लेकिन बाद में उस बात को एक्सेप्ट कर देता है. लेडी मैकबेथ नोज राइट वेल वेन सी टेल्स हर हस्बैंड टू लीव ऑल द रेस्ट टू मी. तो जब वो बोलती है कि सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, तो उसको पता होता है कि वो क्या डिमांड कर रही है अपने हस्बैंड से. डेट बाय दिस सिमुलेशन एंड कनिंग सी कुड प्लान कैरी आउट द मर्डर ऑफ ड्यूकन सो दैट नो सस्पिशन वुड रेस्ट अपन इधर. तो ये समझ में आ गया कि वो जब बोलती है तो पूरे प्लान्स के साथ वो पूरे बात करती है कि मैं इसका मर्डर करूँगी या वॉट एवर, मैंने एक प्लान सेट करके रखा है. इसलिए वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो. ठीक है. When she welcomes Duncan to her home, her conduct shows that she is perfect in the art of dissembling. तो इस तरह से वेलकम करती कि लोग पता भी नहीं चले कि इनका रियल इंटेंशन क्या है. On one occasion only does she lose command of her feelings and forget herself. When she is informed of Duncan's intention to stay at her castle, she betrays her joy and the opportunity presented her and explains. Duncan के intentions के बारे में पता होता है तो उसके बाद में वो प्रिपेयर रहती है कि इसके साथ हम लोग को कैसा बिहेव करना चाहिए, कि मतलब अच्छे के साथ अच्छा एंड बुरे के साथ बुरा. तो उस बिहेवियर के लिए भी वो प्रिपेयर रहती है. दो आर्ट मेड टू सेट व्हेन अ हस्बैंड रिटर्न्स ट्रैम्बलिंग एंड टेरर स्ट्रिकन फ्रॉम द मर्डर. जब ड्यूकिन के मर्डर की वजह से उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ट्रैम्बल घबरा जाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा फ्राइटन हो जाते हैं. सी नेवर लूजेज द प्रेजेंस ऑफ माइंडिंग. उसने उसका मर्डर होने के बावजूद भी, ड्यूकिन का मर्डर होने के बाद भी, डनगिन का मर्डर होने के बाद भी, उसने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोया लेडी मैकबेथ ने. बट रिमेन्स काम एंड इवन ट्राइज टू एले हिज फियर. वो खुद भी शांति से रहने की कोशिश करती है, नॉर्मल होने की कोशिश करती है, अपने हस्बैंड को भी नॉर्मल करने की कोशिश करती है. ठीक है. ऑन डिस्कवरिंग दैट मैकबेथ हैज़ फॉरगॉटन टू स्मेयर द ग्रूम्स विद ब्लड. तो जब ये उसको पता चलता है कि जो मैकबेथ है उसने जो भी ब्लड का था उसका सैंपल्स को हटाना या सबूत मिटाना, कहीं ना कहीं वो चोक हो गया. दैट ही हैज़ ब्रॉट अवे द डैगर्स फ्रॉम द ड्रेड चैम्बर. और उसने कुछ ना कुछ सबूत रखा है. सी बिड्स हिम रिटर्न एंड कैरी आउट द अनफिनिश्ड डिटेल्स ऑफ द प्लॉट. तो वो बाकी सारा काम अपने हिसाब से करती है लेडी मैकबेथ, उसको क्लियर करती है. ही फर्मली रिफ्यूजेस टू गो एट दिस सी एक्सक्लेम. जब वो मना कर देता है कि नहीं मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगा, तब उसमें लेडी मैकबेथ बोलती है, इनफॉर्म ऑफ पर्पज, गिव मी द डैगर्स, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, दिस द आई ऑफ चाइल्डहुड. मतलब वो उसको समझाती है कि तुम मुझे सबूत को दो, सबूत को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है. तो इसी के बारे में बोला गया इसको. ठीक है, आपको एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा. डेट फियर से पेंटेड डेविल इन केस ऑफ द फेयरफुल मिसन हर सेल्फ ऑन हर रिटर्न से अगेंस्ट एग्जिबिट हर सेल्फ पॉजिजन. तो जब वो इतनी स्ट्रांग लेडी होती है कि इतना क्राइम करने के बावजूद भी वो कहीं घबराती नहीं है, तो उसका सेल्फ पॉजिजन बहुत ज़्यादा होता है कि उसको कोई बात की कोई फियर नहीं होता, डर नहीं होता, कोई बात का रिग्रेट नहीं होता कि नहीं मैंने जो किया मैंने वो किया. उस टाइप का केस होता है उसके साथ. वेल द नॉकिंग इज गोइंग ऑन एट द कैटल गेट. सी परसुएड मैकबेथ टू रिटायर टू हिज चैम्बर. जब सब कुछ होता है तो वो मैकबेथ को बोलती है तुम वापस अपने काम को वैसे ही कंटिन्यू करो जैसे तुम करते थे पहले. नोइंग हर हस्बैंड्स वीकनेस सी एज्यूम्स द मेनली पार्ट एंड कॉल्स अपॉन द स्पिरिट्स टू फिल हर. तो अपने हस्बैंड को किसको हम लोग और कर सके, वो दूसरा को सोचती है. मतलब उसके हस्बैंड पे इंजाम नहीं है इसलिए वो किसी और को खोजती है. ड्रग्स द ग्रूम्स एंड लेज द डैगर्स रेडी. तो सारे सबूत इकट्ठे करती है कि किसी और पे इसको फंसाया जाए, किसी और को इंचार्ज किया जाए. सी वुड हैव गिवन द ब्लो विद हर ओन हैंड्स. तो मतलब वही बोला गया कि इसने बहुत ज़्यादा साते दिमाग से अपने हस्बैंड को भी बचाया और इस पूरे केस से वो निकलती थी. तो कहीं ना कहीं लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर से हम लोग को ये समझ में आया कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्ट्रेंथ लेडी थी. स्मार्ट थी, उसमें बहुत स्ट्रेंथ था, विलिंगनेस बहुत ज़्यादा था, एम्बिशियस बहुत थी. एंड एट टाइम उनको पता था कि
पीसफुल माइंड के साथ कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है? तो यही बोला गया है। सो गैस, इस सब्जेक्ट के बाकी वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में ऑलरेडी रेडी किए गए हैं, हम लोग ने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना ली है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाइए उसको फॉलो कीजिए और भी क्वेश्चंस देखिए उसके। एंड कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए।